हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए क्लास ट्वेल्थ यानी फिजिक्स का असाइनमेंट टू का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। स्टूडेंट, आपको ये असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है देना और आपको सबसे अच्छी तरीके से इस वीडियो में असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक एक चीज़ को आपको समझाया जाएगा कि यहाँ पर ये किस लिए आया और क्यों आया, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ आप इसकी PDF भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ से कर पाएंगे वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो पहला क्वेश्चन है, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अपवाह वेग। ओके, तो देखिए, अपवाह वेग किसी धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन मुक्त का वह औसत एवं समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10^-4 की कोटि का होता है। अब हम अपवाह वेग और धारा के बीच संबंध यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है कि माना प्रति एकांक आयतन भी में उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? NaL, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? NaL, ठीक है। अब क्या, जहाँ AL तार का आयतन है तथा हम जानते हैं कि धारा, तो धारा क्या हो जाएगी? देखिए, आप जानते हैं कि धारा क्या होती है, आवेश बटे समय, तो ये आवेश है, समय समय में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि है ना, धारा बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे Q की वैल्यू, हम यहाँ से ये D है, Q की वैल्यू NaL, क्योंकि यह आयतन आवेश आया था पूरा का पूरा, तो ये DT अपॉन में चला जाएगा, I बराबर, ये आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर DL अपॉन DT क्या हो जाएगा? VD हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है DL अपॉन DT, तो ये हमने ये VD लिख दिया, ये NeA है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ VD क्या, अपवाह वेग है। तो यही धारा और अपवाह वेग में आपका संबंध निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः P1 एवं P2 है, या आप इसको रो भी पढ़ सकते हैं, रो 1 एवं रो 2 है, क्योंकि प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करती हैं। इसके लिए ज्ञात कीजिए रो 1 व रो 1 के अनुपात, रो 1 व रो 2 के अनुपात, है ना। यहाँ पर आपको डायग्राम देख रहा है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन का। ओके, तो इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? रो बराबर जो प्रतिरोधकता आर बराबर या रो बराबर एल अपॉन ए होता है, है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या, अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हमने निकाला है। ओके, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंकिक गुण है, अतः ये पदार्थ के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, ये दिया है दूसरा पॉइंट यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एम्पेरी प्रपास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बराबर μ0I/2πr है। इस संबंध के लिए चार प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं हम इसकी। तो एक आपका क्वेश्चन थर्ड है, इस प्रकार से संबंध से प्राप्त करने वाले निष्कर्ष। तो पहला क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम एम्पियर पारा को बनाने के लिए हमें एक बंद पास की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुले पास में यह कार्य नहीं करता, अतः इसे फाई से दर्शाते हैं। ओके, दूसरा है कि इसके बाद धारा वाई तार इस बंद पास के अंदर उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण उनके उसके चारों ओर इसे बनाया जाए। तीसरा पॉइंट देखिए, एम्पियर के नियम के अनुसार इस तार में प्रभावित धारा के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन उसके अंदर से प्रभावित होने वाली धारा के म्यू गुना होता है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से कर लीजिएगा, इसका आपको ये लिख लेना है। चौथा देखिए, इसे हल करने पर हमें ये प्राप्त होता है μ0I/2πr। ओके, प्रश्न चार देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न चार यहाँ पर, तो स्टूडेंट प्रश्न चार हम पे पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक G प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन और तथा पारगम्यता म्यू की तुलना चार बिंदुओं में कीजिए। तो चलिए इसकी हम चार बिंदुओं में तुलना कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो इसकी PDF भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ से करेंगे वो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए बिंदु, या पहले हमने माध्यम ले लिया G, तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करती, जबकि जो एप्सिलॉन नॉट है ये माध्यम पर निर्भर करता है, और म्यू ये भी माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसा ही पद्धति में इसका माप, तो ये होता है 6, मतलब कि वैल्यू होती है G की 6.67 × 10^-11, इसकी होती है 8.85 × 10^-12, और इसकी होती है 4.5 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT GV मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। π × 10⁻⁷। ओके चलिए और कुछ देख लेते हैं, क्योंकि 4 अंतर लिखना है हमें परागण में। मान में परिवर्तन करने पर तो यह नियत रहता है, इसका मान अधिक होने पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल को कम कर देता है और इसका मान अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एवं पद को बढ़ा देता है। बीमा देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अंतर इसकी ये बीमा होती है, इसकी ये और इसकी म्यू की ये होती है। ओके पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमने पांचवे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या पहला क्वेश्चन है कि विभव प्रवर्तक को परिभाषित कीजिए, दूसरा है दी गई चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ओके तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पहला तो विभव प्रवर्तक क्या होती है, लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवर्तक कहते हैं या होने वाली परिवर्तन को हम विभव प्रवर्तक कहते हैं। इसका विभव प्रवर्तक बराबर V/L होता है। बाब वाला देख लिए, दिए गए चित्र संधि बिंदु के पास आने वाली कुल धारा 5 + 2 = 7A है, लेकिन जाने वाली धारा 4 + 5 है। किरचॉफ के नियम के अनुसार आपकी ये हो जाएगी, सॉरी 4 + I है, तो कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा, तो 5 + 2 = I + 4, तो ये 7 = I + 4, तो I बराबर कितना हो जाएगा 3A, तो ये इसकी टोटल धारा हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा। चलिए देखते हैं PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ये सर्च करना है CG बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन, साथ ही साथ इसके लास्ट में आपको लिख देना है SKT। ओके स्टूडेंट SKT, फिर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी कि CG बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन PDF SKT, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी देखिए यहाँ पर, तो वहाँ पर जो वीडियो आपको यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी PDF के तौर पर। आइए वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।